एक मिनट से। तो थोड़ा वजन डाल सकते हैं ना पैर पे? अभी तो बिल्कुल नहीं रखते हैं। राजीव सिर्फ 22 साल के हैं और आप हालत देख सकते हैं। एंकोलॉजिंग के बहुत सारे पेशेंट इसी तरह से हमारे पास आते हैं और ये हालत इनकी एक दिन में नहीं हुई है, ये 5-6 साल से सफ़र कर रहे हैं। कई बार पैसे की कमी से और कई बार पता ही नहीं होता पेशेंट को कि ये ठीक भी हो सकता है। वो होपलेस हो जाते हैं, सारी उम्मीदें छोड़ देते हैं और उनको लगता है कि बस अब उनकी यही ज़िंदगी है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। राजीव की फैमिली को अप्रिशिएट करना चाहिए हमें कि वो उनको लेकर आए हमारे पास इस हालत में। ये इनके ब्रदर हैं दोनों जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं और इनके लिए एक एक कदम चलना मुश्किल है, तो इनके ब्रदर इनको घर में भी डेली ऐसे ही सपोर्ट करते हैं और यहाँ भी लेकर आए हैं। तो अब ये हमारी जिम्मेवारी है कि जब पेशेंट हमारे पास पहुँच जाता है तो उसको हमें बिल्कुल ठीक करना होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये टॉयलेट तक भी खुद नहीं जा सकते हैं, तो मोस्ट ऑफ हिज एक्टिविटीज़ आर ऑन बेड साइड। ये ना पैर को हिला सकते हैं, ना वज़न डाल सकते हैं पूरा, एंड इट्स वेरी वेरी पेनफुल। तो ही जस्ट 22 एंड बिकॉज ऑफ एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस उनका पूरा डेली एक्टिविटीज़ इवन सिंगल मूवमेंट इज नॉट इंडिपेंडेंट। अच्छा, अब जैसे बैठे हैं तो ऐसे थोड़ी देर बैठ सकते हैं? हाँ बैठ सकते हैं। हाँ मतलब 10-15 मिनट अगर बैठना हो तो बैठ जाते हैं, जैसे गाड़ी में ट्रेन में बैठते हैं तो ऐसे बैठ के आ सकते हैं। हाँ, अब जैसे आपको लेटना है तो आप अपने आप लेट सकते हैं, इसमें भी मदद चाहिए तो कोई पैर पकड़ेगा तो लेटेंगे। हाँ। लेटाइए। अब पैर सीधे अपने आप कर सकते हैं? तो आप ही कराओगे सीधा भी? हाँ, कराइए। हम या फिर कोई मम्मी भी करा देती हैं। मतलब इसको मोड़ने और सीधा करने में भी हेल्प चाहिए, राइट वाले में खींचना पड़ता है। तो राजीव उम्र 22 साल है, डिस्ट्रिक्ट बांका, बांका ही कहते हैं, बिहार से हैं। एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है और काफ़ी डिसेबल्ड हैं। कितने खुलते हैं बेटा पैर आपके? बस मतलब मुश्किल से 6 इंच इनकी लेग्स ओपन होती हैं। अगर हम पास लाएं तो ये है और अगर खोलने की कोशिश करें, इसको मोड़ के दिखाइए जरा, इस पैर को कुछ मुड़ता है? बिल्कुल नहीं मुड़ता। और ये वाला, ये इतना मुड़ जाता है। इसकी अगर रोटेशन करें तो हार्डली 5 डिग्री। अच्छा, ये दर्द है। ये कितना मुड़ता है? बिल्कुल नहीं, मतलब अगर मैं इसको हिलाता हूँ तो कोई मूवमेंट नहीं है। सॉरी। हाथ ठीक है, शोल्डर ठीक है, गर्दन कितना मुड़ती है? गर्दन मुड़ जाती है। ठीक है, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं ऑपरेशन को लेके, कोई आप लोग क्योंकि मन में कोई बात है? दोनों के हो जाएगा ऑपरेशन, सर्जरी होने के बाद ये चलेगा कई दिन बाद, कितने दिन तक? ये तो आज एक करेंगे तो कल से ही चलेगा। हाँ, जब दोनों करेगा तो फिर अगले दिन से फिर चलेगा। हाँ, मतलब हमारा अंदाज़ा ये है कि 3-4 दिन में सीढ़ी वीढ़ी चढ़ना शुरू कर दें। चढ़ना शुरू कर देगा। हाँ जी, हाँ जी, अपने आप से वॉशरूम वगैरह ही जा सकते हैं? अपने आप जा सकते हैं। शुरू में तो वॉकर लेना पड़ेगा? नहीं, वो तो फिर ठीक है। हाँ। मतलब अपने आप से ही, अपने आपकी ज़रूरत नहीं है फिर इसको? नहीं, जरूरत। दो तीन चैलेंजेस हैं कि एक तो हड्डी कमज़ोर है क्योंकि बहुत दिनों से चल नहीं रहे। हाँ। मसल्स कमज़ोर हैं, पैर पतले पड़ गए हैं। ठीक है, इन पर हमें थोड़ा मेहनत करना है। जैसे हम दर्द ख़त्म कर देंगे, पैर खुलने लग जाएंगे, मूवमेंट आ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा एक्सरसाइज करना, कैल्शियम लेना, विटामिन डी थोड़ा सा, नहीं ये चीज़ें 2-3 महीने की मेहनत रहेगी, उसके बाद इनको पूरा फ़ायदा पता लगेगा ऑपरेशन का।
ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि अगले 4-6 महीने में फिर अपनी ये पढ़ाई, काम जो भी शुरू करना चाहें ये आराम से कर सकते हैं। गाड़ी चलाना है, बाइक चलाना है, तो 4-6 महीने का हमारा ये टारगेट है कि ये इंडिपेंडेंट घर से कहीं भी आना जाना, सफ़र करना है, ये अपने आप करेगा। मतलब मैं तो ये चाहता हूँ कि अगली बार जब दिखाने आए मेरे पास अकेले आ सकते हैं, इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है, तो ये टारगेट है हमारा। ठीक है, बच्चा बच्चा बड़ा पॉजिटिव है, ये होता है ना कि ठीक होके जाना, इतना झेला सर तो नहीं, एक तो होता है लेकिन एक होता है आदमी टूट जाता है, ये वो नहीं है, ये है कि भाई मैं बस ठीक होके जाऊँगा यहाँ से, तो ये हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव है। राजीव का एक्सरे देख रहे हैं बिफोर सर्जरी, ये टिपिकल स्पोंडाइलो आर्थ्रोपैथी का एक्सरे है जिसमें आप देखेंगे कि जॉइंट स्पेस पूरा चला गया है दोनों तरफ, और ये जो हमारी लाइन होती है दिस इज़ द सेफ लाइन, तो इधर तो जो हमारा एस्टब जो हेड है वो टच कर रहा है इसको, तो दैट इज़ बॉर्डर लाइन केस, लेकिन इधर ये जो लाइन है जिसको कोलर्स लाइन कहते हैं, जो एसिटेबलम और हेड है उसको क्रॉस कर चुका है, यानी कि इतना अंदर चला गया हमारा हेड, इसी को कहते हैं प्रोट्रूजियो। तो इन जो ये जो ऐसी कंडीशन होती है जब हेड अंदर चला जाता है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है कि इन हड्डियों में गैप बहुत कम रह जाता है, तो उससे पेशेंट की मूवमेंट्स बहुत कम हो जाती हैं, पैर खुलते नहीं हैं, पेशेंट ठीक से चल नहीं पाता है। और अभी जैसे राजीव से बात हो रही थी, पिछले 5-6 साल से ये ज़मीन पर नहीं बैठ पाए थे, तो ये बड़े चैलेंजिंग केस हैं। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि एक तो बोन बहुत कमज़ोर है, पेशेंट ठीक से चल नहीं रहा है, हड्डियों में कैल्शियम नहीं है, मसल्स नहीं है, कोई पावर नहीं है मसल्स में। दूसरा, जब हम यहाँ रीमिंग करते हैं, जब अंदर जाते हैं, तो ये बहुत ही एक थिन लाइन है, देखिए अगर इसको हम ब्रीच करते हैं और हमारा रीमर गलती से अंदर चला जाए, तो अंदर जो यूरिनरी ब्लैडर है या और स्ट्रक्चर्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं, तो इसमें बहुत केयरफुली करना है। और अगर आप नए सर्जन हैं, अगर आपने अभी शुरू किया हिप रिप्लेसमेंट, तो यू शुड नॉट डू इट अलोन, आपको अकेले नहीं करना चाहिए, आपको एक सीनियर सर्जन को साथ लेना चाहिए। अब देखते हैं सर्जरी के बाद का एक्सरे, ये जो 4 महीने के बाद का एक्सरे है, तो इसमें आप देखेंगे कि इधर हमने नॉन सीमेंटेड, इधर कोई स्क्रूज भी नहीं लगाए, ये सब किया है, और इधर हमने ये बोन ग्राफ्ट डाला है, यहाँ पर जो हमारा खाली जगह थी इतनी, उसको हमने बोन ग्राफ्ट से फिल कर दिया, तो धीरे धीरे ये बोन स्ट्रांग हो जाएगी, पकड़ अच्छी हो जाएगी कप की। 2 स्क्रू हमने डाले थे इधर, क्योंकि इधर हड्डी थोड़ी कमज़ोर थी, बट 4 महीने के बाद ये जो पोजीशन है ये अब फाइनल है। अगले कम से कम 25-30-35 साल तक अब राजीव को इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, अगर कभी प्रॉब्लम आएगी तो वो सिर्फ जो पोली है हमारा या सेरामिक बॉल है उसी में आएगी। ये जो इम्प्लांट्स हैं ये लाइफ लॉन्ग हमेशा ऐसे ही रहेंगे, ये कभी लूज नहीं हो सकते। तो अब परफॉर्मेंस देखते हैं राजीव की। एंड लुक एट हिम नाउ, अब राजीव एक बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सन लग रहे हैं, हाइट भी बढ़ गई है, कॉन्फिडेंस आ गया है, और पेन का तो कोई नामो निशान नहीं है। और मैं ये ब्लेसिंग समझता हूँ हमारे लिए और हमारी टीम के लिए कि हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इन बच्चों के ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट करने की, इन फैमिलीज़ को कुछ दे सकते हैं हम, तो ये हमारी खुशकिस्मती है। और अब मैं चाहता हूँ कि राजीव लाइफ में आगे बढ़ें, बीमारी को बिल्कुल भूल जाएं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। ही वॉज ए वेरी पॉजिटिव पर्सन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, और इसी पॉजिटिविटी के साथ ये लाइफ में प्रोग्रेस करें। वी विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग दैट ही वांट्स टू डू इन हिज लाइफ। एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में और ख़ासतौर पर जब प्रोट्रूजियो हो जाता है तो पेशेंट के लेग खुलते नहीं है, जो कि हमने एग्जामिनेशन में देखा था सर्जरी से पहले, राइट। लेकिन अब हमारे पैर मतलब 3 फुट तो मैं भी खोल पा रहा हूँ, अगर जगह होगी तो हम और भी खोल सकते हैं इसको, राइट। और अगर मूवमेंट अगर देखें 4 महीने में, वी आर ऑलरेडी एट 90, और ये अभी मूवमेंट होनी है क्योंकि पिछले 5-6 साल से मसल्स बहुत टाइट रही हैं, मूवमेंट्स बहुत ही अच्छी हैं। ये देखिए 100 से भी ऊपर जा रहा है, बहुत अच्छी मूवमेंट है। और आज हम पहली बार 5-6 साल के बाद नीचे बैठेंगे, राइट। आइए, 5-6 साल के बाद जब आप बैठते हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत होती है, ये मसल्स टाइट होती हैं, पेन होता है, लेकिन जब रोज़ करोगे तो ये इजी हो जाएगा, ठीक है। तो कितना चल लेते हो? 2 किलोमीटर से ज़्यादा चल लेते हैं, आराम से, पेन नहीं होता? नहीं। और जो एंकलोजिंग की हम दवाई खा रहे हैं वो तो हम खा ही रहे हैं, पर अलग से कोई दर्द की दवाई नहीं लेनी पड़ती? नहीं, नहीं। उम्र कितनी? 22 साल है? 23 साल की उम्र में एक नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हो,
कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा है। आओ सारे आओ इधर, सब भाई हैं आपके? जी हाँ। तो ये सब राजीव के भाई हैं जो पहली बार जब हमारे पास आए थे तो राजीव को दोनों तरफ से पकड़ के लेके आए थे। आज सिर्फ कंपनी देने के लिए आए हैं। अब राजीव बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और अब आपने, इन्होंने जो आपके लिए किया है कभी भूलना नहीं है, राइट? हमें बड़े हैं आपसे सारे, हैं ये छोटे हैं। हाँ, तो इसलिए हमेशा इनका वो चीज़, मतलब इसका कोई कीमत नहीं होती इन चीज़ों की। जब आप मुसीबत में थे तो इन लोगों ने निकाला है आपको, ठीक है? सर्जरी तो एक छोटा सा पार्ट है उसका। सो आई विश कि हमारे कंट्री में जितने भी लोग इस तरह से पीड़ित हैं राजीव की तरह, जिनको तकलीफ़ है और किसी वजह से यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो कम से कम अपने आसपास ढूंढें जहाँ पर हिप रिप्लेसमेंट हो सकता है। ये बहुत ही सेफ़ सर्जरी है और आपको इतनी मोबिलिटी और पेन फ्री लाइफ देती है कि आप अब जो भी राजीव जो भी करना चाहें, आप जैसे बाइक चलाना है, गाड़ी चलाना है, आप सब काम कर सकते हैं, जॉब करना है, पढ़ाई करनी है, सब कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि हम MIS टेक्निक से इन यंग बच्चों को एक नई शुरुआत दें, ताकि ये इनको सहारे की ज़रूरत ना पड़े, रादर अपने परिवार के लिए सहारा बने, ठीक है जी? ऑल द बेस्ट। कुछ कहना चाहते हो? खुश हो? बहुत खुश। चलो अच्छा करना लाइफ में, बढ़िया जीवन दे दिया सर इसको। और अब ये सोचो कि हमारा नाम आपके साथ जुड़ गया है, जिंदगी में जो भी करोगे तो हमारा नाम आपके साथ है, तो अच्छे काम करने हैं सिर्फ, ठीक है? चलो चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।